हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट पे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाता है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है जेड 2013 का, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था दोस्तों, उस पर आज की मेरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि पाचन उत्प्रेरक जिस कोशिकांग में उपस्थित होता है वह है, तो वो लाइसोसोम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों जो 2 नंबर क्वेश्चन है अपना, सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, तो वो दोस्तों समसूत्री विभाजन की जो एनाफेज होती है उसमें होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 3 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में कोशिका विभाजन होता है, तो वो दोस्तों असूत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वोल्डेयर ने की थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों जो अपना 4 नंबर क्वेश्चन है, वो 5 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षण संकरण किया जाता है, तो F1PD और अपरवायुजनक में होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन है कि जो इसका क्रॉस है इसके साथ कराएंगे तो क्या जो अपने फिनोटाइप प्राप्त होगा, तो वो 3:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाने वाली संरचना होती है, यानी कि कौन सी ऐसी संरचना है जो हर एक जीवित कोशिका में पाई जाती है, तो वो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है जो हर एक में उपस्थित होती है, वरना हरित लवक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हीं में पाया जाता है और में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति यह भी है जो पादप कोशिका उसमें पाए, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसके बाद में दोस्तों उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो यहाँ पे होगा प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में कोशिका को रखने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं, तो इसको दोस्तों हाइपोटोनिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व है, तो दोस्तों कार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है, तो वो मूल रोम द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब होता है, तो वो केवल दिन में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में एक ATP अणु में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, 12,000 कैलोरी जो ऊर्जा होती है दोस्तों एक ATP से। इसके बाद में दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारविक अम्ल के विघटन की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रैब कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इनके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है कि खालिस्तान एक सीफोर पादप है, तो जो मक्का है वो एक सीफोर पादप है दोस्तों इस ऑप्शन में। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी हरे पौधे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल यही भोजन बना सकते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना ऑप्शन नंबर 16 है, वो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि समुद्री किनारों पर उगने वाले पौधे किस वर्ग के होते हैं, तो दोस्तों लवणविद होते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जल निगमन, यानी कि जो जल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण है वो होता है, तो पौधों की सामान्य जो स्तह है उससे होता है दोस्तों, इसके अंदर मूल रोम वगैरह से नहीं होता है, जो सामान्य स्तह होती है उसी से हो जाता है दोस्तों ये। इसके बाद में दोस्तों जो किसी पौधे में जलोद्भिद एवं मृद्भिद दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसे टाइफा कहते हैं दोस्तों, इनके ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में गेहूं की नवीन प्रजातियां अर्धबोनी होती है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है, बोनी अर्धबोनी लगभग बोनी होनी चाहिए दोस्तों, इनके ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में दोस्तों ऐसा मत है कि मक्का का उद्भव खालिस्तान से हुआ था, तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, टियोसिंटी। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पहले दोस्तों वो होती थी 2013 का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग पोर्शन है, तो अब जूलॉजी वाला पोर्शन। इसके अंदर क्या था कि अमीबिया गति के दौरान अमीबा में बनने वाले अंगुली के समान अस्थायी प्रवर्ध कहलाते हैं, तो वो कुटपाद कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों किसी निमेटोड को सामान्यतः शिष्ट निमेटोड कहा जाता है, किस निमेटोड को कहा जाता है शिष्ट, तो हिटेरोडेरा को बोला जाता है दोस्तों, हिटेरोडेरा जो स्पीसीज है इसको बोला जाता है हिटेरोडेरा। इसके बाद में दोस्तों जो 23 नंबर क्वेश्चन है, लिवर फ्लूक में द्वितीयक या मध्यम परपोषी होता है, तो दोस्तों वो होता है स्वच्छ जलीय घोंगा होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में कैंचुए में टिफ्लोसोल पाया जाता है, तो 14वें 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है, 14 से 16वें खंड तक। 13 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा आंसर। इसके बाद में दोस्तों कॉकरोच में उत्सर्जन होता है, तो मेलपिगिन नलिकाओं द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 26 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइकोनिप्स नामक सहजीवी प्रोटोजोआ निम्न में से किसके
अंत में पाया जाता है, तो दिमाग के अंत में पाया जाता है दोस्तों, इनकी ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जीवन की किस प्रावस्था में टिड्डी फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, तो जो दल वशीय होती है दोस्तों, जिसके अंदर दल होता है उसका, उसमें वो पहुँचाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हानि पहुँचाती है वो। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 28 नंबर क्वेश्चन है कि हेस्टेट प्लेट झींगा के किस अंग में पाई जाती है, इनकी हेस्टेट प्लेट है वो झींगे के किस अंग में पाई जाती है, तो वो दोस्तों कार्डियक अमाशय में पाई जाती है, इनके ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गण के जैविक नियंत्रण के सर्वाधिक कीट पाए जाते हैं, तो दोस्तों वो पाए जाते हैं हाइमेनोप्टेरा के, इनके ऑप्शन नंबर चार। इसके बाद में दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी नहीं है, तो दोस्तों जो डाइजिनोन है वो नहीं है, इनकी ऑप्शन नंबर चार। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 31 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया विधि किसके नियंत्रण में रहती है, यानी कि जो श्वसनीय क्रिया विधि होती है वो किसके नियंत्रण में, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंडर में रहती है दोस्तों ये, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में दोस्तों जो 32 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन स्थल पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्या कहलाता है, यानी कि किससे होता है, तो वो विसरण द्वारा होता है दोस्तों। इसके द्वारा श्वसन की दर तथा तीव्रता बढ़ती है, तो दोस्तों जब CO2 बढ़ती है तो उसकी जो दर होती है और तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद में जो स्तनधारी के हृदय में जो पेसमेकर का कार्य करता है, तो वो दोस्तों सीरानाल अलिनंद पर्व करता है दोस्तों, यानी कि SA नोड करता है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 35 नंबर क्वेश्चन है कि वेगस तंत्रिका किसके स्त्रावण के कारण हृदय स्पंदन धीमा कर देती है, तो दोस्तों एसिटिल कोलिन के कारण कर देती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 36 नंबर क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए जरूरी पोर्थोम्बिन बनता है, तो दोस्तों वो यकृत में बनता है, इनके ऑप्शन नंबर तीन। इसके बाद में निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ नर स्तनियों में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 38 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है, तो वो अंतरनालीय कोशिकाओं से होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन। इसके बाद में दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन में किस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों हाइलुरोनिडेज है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 40 नंबर क्वेश्चन है, FSH द्वारा यानी कि स्तनधारियों में शुक्र जनन नियंत्रित होता है, तो वो FSH हार्मोन द्वारा होता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों अपनी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो जाते एक नीचे कमेंट करना, आपको कोई टॉपिक समझना हो या फिर इस क्वेश्चन पेपर सेट में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई गलती हो गई हो, तो बता देना दोस्तों, उसको हम आगे सुधार लेंगे, आपको बता देंगे कोई गलती हो तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।